एमपी के सीधी जिले में बीते दिनों हुए एक अमानवीय व्यवहार की जिस तरह से घटना सामने आई थी, उस पर आरोपी के घर को गिरा दिया गया और उनके अतिक्रमण को हटा दिया गया। आरोपी प्रवेश शुक्ला को भी जेल भेज दिया गया, साथ ही एनएससी की कार्रवाई कर दी गई। लेकिन ये घटना अभी कम भी नहीं हुई थी। सीएम अभी पीड़ित के पैर धोकर उससे माफी मांग रहे थे, उसके साथ लंच कर रहे थे। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश में एक और घटना ऐसी ही सामने आई जिसमें दलितों के साथ अत्याचार हुआ है। जी हाँ, नई घटना सामने आई है शिवपुरी जिले की, जहां पर नरवर वरखाड़ी में अमानवीय व्यवहार का शिकार हुए हैं दो युवक। हालांकि इसके बाद जब से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया है और आरोपियों के घर में दोबारा उनके यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई ठीक प्रवेश शुक्ला के जैसे ही हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, जिससे इंसानियत शर्मसार हो रही है। आपको बता दें, ये मामला शिवपुरी जिले का है, जहां दो दलित युवकों को पहले जूते चप्पल की माला पहनाई गई, उनका जुलूस निकाला गया और बाद में बेभत्स तरीके से विशेष समुदाय के लोगों ने उनके मुंह में मल ठूंस दिया। जी हाँ, कहने सुनने में कितना बुरा लगता है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर देने वाली खबर लगातार सामने मध्य प्रदेश से आ रही है। इस घटना को लेकर भी लोगों में आक्रोश। इस मामले का खुलासा होते ही प्रशासन ने बड़ी तेजी से कार्रवाई शुरू की और आरोपियों की धरपकड़ और गिरफ्तारी की। इसके साथ ही आरोपियों के घरों में बुलडोजर भी चला दिया गया। वरखाड़ी गांव में शुक्रवार की दोपहर कुछ लोगों ने अर्जुन जाटव और संतोष केवट नाम के दो युवकों को लड़कियों की फोटो खींचने के आरोप में पकड़ लिया, उनका मुंह काला किया और उनके गले में चप्पलों की माला पहना दी। ग्रामीणों ने मिलकर युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए पहले दोनों को जमकर पीटा, उनको चप्पलों से मारा, गले में माला पहना दी और उसके बाद उनकी परेड निकाल दी। ग्रामीण इतने पर ही नहीं रुके, ग्रामीणों पर आरोप है कि उन्होंने मैला उनके मुंह में डाल दिया, साथ ही उनके कपड़ों को भी फाड़कर फेंक दिया। इसके बाद दोनों युवकों का जुलूस निकालते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना में अब तक 7 लोगों पर दो युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। 7 आरोपियों में से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि महिलाओं ने उन युवकों को, अपने परिवार के युवकों को रोकने की बजाय बढ़ावा दिया। अब तक 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 1 आरोपी फरार है। इस घटना के बाद सरकार ने संज्ञान ले लिया है और सबके ऊपर NSA के तहत कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है ये शिवपुरी के नरवर की, और तालिबानी कृत्य जैसा है, एक घृणित कृत्य किया है। और उससे ज्यादा घृणित बात यह है कि इस कृत्य को दबाने के लिए कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रशासन को फोन किए गए, एक दलित व्यक्ति के साथ में, SC के व्यक्ति के साथ में जूते की माला पहनाई गई, उसके मुंह में मलबा भरा गया और उसके बाद में अमानुषिक अत्याचार किए गए उसके साथ में। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार कर लिए गए लोग और मैंने कहा है प्रशासन को कि इस पे NSA की कार्रवाई करें। इन लोगों पर अगर अतिक्रमण है इनके, तो अतिक्रमण पर भी बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल करें। इस तरह के कृत्यों को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इन दोनों युवकों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार और उनके साथ मारपीट करने वाले 7 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ NSA भी दर्ज कर लिया है। दोनों युवकों की शिकायत के बाद शाहिद खान, इस्लाम खान, रईस अबानो, अजमत खान, वकील खान, आरिफ खान, साइना बानो के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। एक आरोपी जिसका नाम वकील खान है, उसको छोड़कर सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके अलावा वकील खान जो फरार है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ होने के बावजूद दलित और आदिवासियों के खिलाफ अब तक मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी परिस्थितियाँ तब हैं जबकि मध्य प्रदेश में हर साल सबसे ज्यादा आदिवासी और दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं। कार्रवाइयां कितनों पर होती हैं, कितनों का वीडियो वायरल होता है, यह अलग बात है। लेकिन बीते कई दिनों से लगातार मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों का उत्पीड़न चर्चा में बना हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।